तो जी माशाल्लाह, ये है हमारी खिड़की और ये है हमारी खिड़की से सुबह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये रात का माशाल्लाह सहन, और कहीं कहीं पे पानी नहीं लगा हुआ, अंधेरे में पता नहीं चला, तो पानी मिस हो गया। अब दोबारा से पानी लगाते हैं यहाँ से, और ये सारा का सारा, और कुछ नए पौधे ऐड किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड पे पानी लग गया है, अब दूसरी साइड की बारी है। पाइप इधर से उतार लिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी घास को सुबह सुबह उठ के मैंने पानी लगा दिया था, तो वो दोबारा से खुश्क हो गई है। और कल से जब ये मिट्टी का काम हो रहा था, तो हवा से इस मार्बल वाली जगह पे भी बहुत सारी मिट्टी जो है वो आ गई थी, तो अभी इसको जो है वो हम साफ़ कर रहे हैं। और बाकी बच्चों ने पाइप पकड़ा हुआ है वहाँ पे, तो अभी इस जगह की सफाई कर ली जाएगी ताकि मिट्टी जो है वो अंदर तक ना जाए। और फिर अभी गाड़ी को भी धोना है, और छोटी गाड़ी को यानी इसको भी धोना है। अभी वहाँ पे पानी लगाया था, मिट्टी खुश्क होना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे अब रात को जो पानी लगाना है, तो यहाँ पे काफ़ी पानी लगाना है जितना ये है। तो अभी यहाँ से फ्रेश धोया है ना, तो यहाँ पे पानी काफ़ी खड़ा हो गया, तो इंशाल्लाह शाम को अच्छे से पानी लगाएंगे। और अभी गाड़ी को धोते हैं, और गाड़ी को हमने यहाँ से हटा के वहाँ पे लेके जाना है, ताकि गाड़ी को धोते हुए पानी हमारा गेट के रास्ते बाहर रास्ते में ना जाए। यहाँ से पाइप लगा हुआ है, वहीं से बाहर चला जाए। आगे से मोहम्मद बिलाल जो है वो गाड़ी लगवा रहे हैं। आ रहा हूँ 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 ठीक है, वो अंदर नहीं पानी फेंकना। यहाँ पे ठीक है मोहम्मद बिलाल? शाबाश 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 शाबाश, मोहम्मद बिलाल गाड़ी धोने लग गया। अब मुझे दें, ऊपर पानी में फेंको, ठीक हो गया, ऊपर आ रहा है ये बेटा। मैं बेटा गाड़ी पहले गाड़ी को धो लें, ठीक है? बीरा हर दफा नाराज हो रही है, फिर से नाराज हो रही है। इसको बेटा जल्दी से धो के हम छांव में खड़ी करते हैं ना, लेकिन अभी इसको धोना ज़रूरी है, बहुत मिट्टी इस पर पड़ी हुई थी, तो जल्दी से बाबा धोएंगे। अब मेरी वीडियो बनाएं, सही है? ब्रीरा बाबा की वीडियो बना रही है। मैं पानी और खोल के आऊं, ये पानी कम आ रहा है ना, ये देखें। अब ब्रीरा वीडियो बनाएगी, हम नहाएंगे। ओए, ओए, छोड़ दे यार, एक ही जगह नहीं ना धोनी, समझा करें। मुझे बस 5 मिनट दे दें, फिर पाइप आपका, जगह भी आपकी, और खेलेंगे भी आप, सही है? अब मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो साफ करते हैं हम ये। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मैंने धो दी है माशाल्लाह। अब गाड़ी को बाहर निकालना है, और ये सारा फर्श जो है इसकी सफाई करनी है। तो सबसे पहले हम गेट खोलेंगे। हमने बाइक भी धोनी थी, लेकिन वो जैन भाई को काम पड़ गया, तो वो ले गए हैं, इसलिए बाइक धुलने से रह गई है, और कार तो धुल गई और फर्श तो धो ही देंगे। तभी गाड़ी को बाहर निकालते हैं, हल्की हवा चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, शीशे खोल लेते हैं। ओह, बाहर से ठंडी हवा आई है, अभी गाड़ी को निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिलाल भी आना चाह रहा है। हमने गाड़ी बाहर निकालनी थी, लेकिन मोहम्मद बिलाल जो है ना, ये जिद कर रहे थे कि मैं भी जाऊंगा। अब कहाँ जाना है? हम बस नहीं, दूर नहीं जा रहे, हमने बस गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी करनी है, फिर फर्श धोना है, सही है? चलें फिर गाड़ी को बाहर निकालें। हाँ। क्या करना था? शीशा। शीशा खोलना था? अब नीचे नहीं उतरना? नहीं। क्यों? नहीं, नहीं बेटा, जाके काम नहीं करना हमने? नहीं।
लीजिए जी, हमारी सफाई जो है ये शुरू हो चुकी है। अभी ये सारा हो गया, बस ये थोड़ा सा रहता है। तो अभी बाहर जो है वो सब्जी वाला आया हुआ है, तो इससे पहले ये सफाई करने से पहले सब्जी वाले से सब्जी ले लेंगे, क्योंकि वो फिर चला जाएगा और ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा साहब जी, 3 किलो आलू। तो 3 किलो ही प्याज। 5 किलो करते। थोड़ी हरिया मिर्चा दे दो, थोड़े टमाटर। बढ़िया है, नहीं मर्च। थोड़ा जहा धनिया पा। कितना बिल हो गया? 280। सब्जी वाले ने प्याज मुझे ज़्यादा दे दिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 100 रुपये में 5 किलो बेच रहा था, तो उसने 5 किलो ही कर दिए हैं। प्याज और आलू जो हैं वो इसलिए लिए हैं कि ये काफ़ी दिन हमारे निकाल देंगे, ये ख़राब नहीं होते इतनी जल्दी। आज तो हम दाल कद्दू बनाने जा रहे हैं, तो ये इसलिए लिए हैं कि प्याज तो वैसे भी रूटीन में हर हंडिया में इस्तेमाल होता है, और आलू भी, और बाकी जो सब्जियां हैं वो रूटीन से ली जाएंगी। तो अभी फिर घर पहुंच गए हैं और इनको रखते हैं और सफाई करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफाई ज़बरदस्त हो गई है। ये थोड़ा कचरा है, तो ये जब अब गर्मी बहुत है, पिछले टाइम थोड़ा मौसम ठंडा होगा तो फेंक देंगे बाहर इंशाल्लाह। फिर वो भी है थोड़ा सा, ये भी है, और ये सारे कुछ कचरा है, कुछ काम की चीज़ें हैं, लेकिन इनको हटाते हटाते थोड़े दिन लगे। जी क्या नहीं खा रहे हैं? ये नहीं खाते हैं, दांत खराब होते हैं। आपने दिए? अच्छा काम किया बेटा, ये नहीं खाते। खोल के दूँ? तो अभी यहाँ के भी कवर जो हैं ये लगाने वाले रहते हैं, अब पता नहीं कहाँ कहाँ के लगाने वाले रहते हैं, बाज तो गुमी हो जाने हैं। अब ये वाला पता नहीं कहाँ गया। और मज़े की बात बताऊँ, अभी टाइम काफ़ी हो गया, 11-12 का मेरे ख्याल से हो गया होगा, लेकिन अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता तो सुबह का मुझे ऑफ़र हो रहा था, लेकिन खेतों में कुछ काम था, फिर यहाँ का ये काम था, तो इसी भाग दौड़ में नाश्ता भी रह गया। तो अभी फ्रेश होते हैं और नाश्ता करते हैं। हमारे घर अबू ज़र आए हैं। अबू ज़र, मोहम्मद अबू ज़र, तुम कैसे हो? आप कैसे हो? ठीक हो? और ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मट्टी ऊपर ऊपर ऊपर। बहुत तूफानी आंधी आई हुई है, आंधी जब दरख्तों में से गुजरती है ऐसी आवाज आती है। तो तूफान ही तो आया हुआ है बाहर। अहमद भी आया हमारे घर। वाह माशाल्लाह, तो बाहर से कुछ ऐसा नजारा है, और ऊपर बादल है। माशाल्लाह, और वो फातिमा सेना अम्मी जान है, फातिमा अहमद और सकीना। बाहर मौसम तूफानी है और बारिश, ऊपर बादल बहुत मजे के छाए हुए हैं। तो अभी गाड़ी मैंने जो सफाई के लिए बाहर निकाली थी, तो उसको घर लेके जाना है, क्योंकि ये खुला है, खुली जगह है, तो यहाँ पे ये गाय और भैंस वगैरह जो है ना, ये यहाँ पे ये चुग रहे हैं, और भैंसों को आदत होती है, वो खारिश करती है जिसम, अपने जिस्म पे अगर उन्होंने खारिश करनी होती है ना, वो दरख्तों के साथ, दीवारों के साथ जो है वो अपने जिस्म को रगड़ती है। तो वो ना हो कि गाड़ी के साथ भी वो खारिश करें और गाड़ी का सत्यानाश हो जाए। तो मैंने जब ये जानवर पास देखे, और ऊपर से धूप भी खत्म हो गई है, शेड बनवाना तो है, तो अभी यहाँ से ये है जी हमारा घर, और सीन देखें माशाल्लाह। तो अभी गाड़ी को लेके जाते हैं वहाँ, बाहर खड़ी करेंगे, क्योंकि तूफान ज्यादा है, गेट नहीं खुल पाएगा, अगर खुला तो गाड़ी गुजारते हुए वो बंद हो सकता है, तो इसलिए घर से बाहर ही अभी गाड़ी खड़ी करते हैं। गाड़ी तो स्टार्ट हो चुकी है, बिस्मिल्लाह। पहले जाएगी थोड़ी पीछे, अब जाएगी आगे। तो बस जी इतना सा सफर है बस घर से, यहाँ पे छांव थी तो इसलिए मैंने छांव में खड़ी कर दी, और अब हम जा रहे हैं घर। तो अभी गाड़ी बाहर खड़ी की हुई थी, तो इसको घर लेके जा रहा हूँ। असल में मैं नहाया ही था, शीशा भी नहीं देखा, नहाया ही था कि बाहर निकला तो तूफान आया हुआ था, तूफान देखने लग गए, ऊपर से बाल जो है वहीं के वहीं सूख गए, तो हेयर स्टाइल जो है वो ख़राब हो गया हुआ था। तो खैर अभी हम पहुँच गए हैं घर, तो घर से बाहर ही गाड़ी पार्क करते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया माशाल्लाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एसी जैसी हवा चल रही है। लें जी
गाड़ी आ गई ठिकाने पे। ऐसे ये दरवाजा भी हमारा बहुत जोर से खुलने वाला है। ये खुला हुआ है। पकड़ लिया। ओ मैं सदके। ये देखो लड़ी हो रही है, प्यार हो रहा है। बेबी मिठा। ओ याहू मोहम्मद बिलाल याहू। अब बच्चे सारे खुश हो गए, इकट्ठे हुए हैं। ये देखो चाची। ओ उड़ गया। ओ लेके आता हूँ। वो 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 ये रहा, मिल गया। ओ ये तो फटने वाला है। हमारे सारे बच्चे जो है ना इस कैंपर की वजह से लड़ने वाले। बारिश हो रही है। आराम से दरवाजा खोले। वो देखो क्या है, बारिश। आपके लिए भी लेके आऊँ ऐसा शॉपर, आपको भी चाहिए। आपको भी चाहिए, ये लें। ओ नहीं 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 नहीं, बारिश ऊपर से, बारिश बारिश आओ ना, बारिश बारिश आओ नहीं, बारिश बारिश जाओ ना, और किसी दिन आओ ना। मोहम्मद बिलाल नहीं, बिलाल मरीरा ने खेलना है, बारिश बारिश जाओ ना। मोहम्मद बिलाल मेरी वीडियो बनाएगा, मेरी वीडियो बनाएगा। बारिश बारिश जाओ ना, और किसी दिन ना होना। वो देखो बारिश बारिश जाओ ना, और किसी दिन ना होना। अहमद बरीरा ने खेला है, बारिश बारिश जाओ ना। ये देखिए ये बाबा बाबा चुके 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 ये। आज हमने सफाई की है और थोड़ी थोड़ी मट्टी फिर ऊपर आ गई है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर हो गया। बारिश बारिश जाओ ना, और किसी दिन आओ ना। अहमद बिलाल ने खेला है, बारिश बारिश जाओ ना। ओ, बहुत जोश आया हुआ है अहमद में। बारिश बारिश जाओ ना, बारिश बारिश बचाओ ना, बच्चों ने मुझको घेरा है, बारिश बारिश बचाओ ना, आओ ना। हाँ जी वो बादल, ये मुख्तलिफ बादलों के टुकड़े हैं ना जमा हुए, तो फिर ऐसे लग रहे हैं। जैसे ये पत्थर पे देख लो, ये डिजाइन बने हुए हैं, ये छोटे छोटे ये वाले देखे, ये ऐसे ही ऊपर है, ये देख लो सेम सेम लग रहे हैं। आगे 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 है। ये बादल बरसने के लिए होते हैं, ताकि हमारी जमीन जो है वो प्यासी ना रहे। फिर बादल जो है वो हर जगह बरसते हैं, जंगलों में, पहाड़ों पे, मैदानों में, खेतों में, हर जगह, घरों पे, छतों पे। ये अल्लाह ताला की खास रहमत है। वो रात का एक फूल लगा हुआ है, ये वाला, और ये फूल के दुश्मन वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गिली है ना जगह, यहाँ से नहीं गए, वहाँ से जा रहे थे। वापस वापस, शाबाश अच्छे बच्चे, वापस आ जाएं जी। कितनी देर से फातिमा कह रही है यहाँ आए क्या? हाँ, यहाँ पे पौधा लगाया था उन्होंने, मैंने निकलवा दिया। मैंने कहा यहाँ से रास्ता हमने रखना है, सही है। तो ये गड्ढा बन गया, यहाँ पे खड्डा बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है। और घास पे हमने पानी लगाया था, अब मज़ीद पानी लगाने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह पानी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कुछ ही दिनों में घास निकल आएगी इंशाल्लाह, मतलब हरी भरी हो जाएगी। जी बेटा, पानी खत्म हो गया। ये जी मोहम्मद बिलाल के चाचू लेके आए हैं, चाचू जैन वाटर गन। ये अब पानी खत्म हो गया, दोबारा से भरूं क्या? बिजली चमकी है ना। चलो बिलाल छत पे, वहां पे भरते हैं, और पानी वहां पे बारिश भी एंजॉय करते हैं। चलो 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 चलो। ये वाला मसला अभी भी हल नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैंने ये शीट है
और ये शीट ये यहाँ पे रख रही है और कपड़े नीचे बिछा दिए हैं ताकि इसमें पानी ना जाए, लग रहे पानी ना जाए। लेकिन मैं भी भीग गया हूँ और बहुत बड़ी सुस्ती और बहुत बड़ी गलती की है मैंने, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन मौसम जो है वो अचानक से ख़राब हो गया, पता ही चला। अब मैं ऊपर आया हूँ तो मुझे याद आया, ओह माय गॉड कि यहाँ पे क्या बना हुआ होगा। तो खैर मैंने जो हो सकता था मैंने कर दिया। ऊपर परगोले हैं, अगर ये ना होते ना तो ये बारिश यहाँ पर कभी ना आती। ये देखें माशाल्लाह बारिश कितनी ज़ोरों की बरस रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी फातिमा क्या करती है, क्या हो रहा है? मैंने नहीं सुनाया। और चाची जैन जो पिस्तौल लेके आए हैं ना, वो वाटर गन, और उनमें पानी भरा जा रहा है। तो भीग गई है बेटा, ठंड लग जाएगी, बहुत ठंड लग रही है ना। ये पानी भी नहीं इसमें भरा, ये थोड़ा सा पानी भरा है, ये ले लेगा। तो मैं भी गया हूँ टोटली और मुझे बहुत ठंड लग रही है और सर जो है वो ठंड हो चुका है। हाँ मैं बुला नहाना है, नहीं नहाना ठंड लग रही है। मैं गीला हूँ, वो कपड़े गीले हो जाएंगे, ये देखो मैं गीला हूँ। ये मोहम्मद बिलाल को पानी भर के देना है वाटर गन में। और माशाल्लाह बारिश हो गई खत्म और मौसम खुल गया, खेतों में पानी पानी माशाल्लाह। ये डंकी वहाँ पे बंधा हुआ है, किसी ने उसको वहाँ पे बांधा हुआ है, एक ही जगह पे घूमे जा रहा है। क्योंकि डंकीज़ को जो है वो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, बकरियों को और इनको एलर्जी है बारिश से। सही हो गया? नहीं नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह अब मज़ा आ रहा है। अब जो है रात को सोने में मज़ा आएगा, क्योंकि कमरों में थोड़ी थोड़ी गर्मी है, थोड़ी नहीं काफ़ी गर्मी, और निक 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 मतलब हरारत जो है वो फील होगी, निक फील होगा। निक, ये निक को उर्दू में क्या कहते हैं? पंजाबी में निक कहते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। ओ माशाल्लाह देखें, और पानी कितना ज़्यादा हो गया माशाल्लाह हमारे सेहन में, तो अब हमें कितने दिनों पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यस, मुझे बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि पानी ऐसे ऐसे पाइप रात को जब चले गए, आधा काम उन्होंने यहाँ तक पानी लगाया हुआ था, यहाँ तक आगे मैंने लगाया, लेकिन लगता ही नहीं था ज़्यादा लगाना था ना, तो वो मैंने लगाया। सुबह तक खुश्क हो गई थी जगह, और फिर जब मैंने तो वो लगाया ना तो 10-11 बजे ना फिर से सफ़ेद मिट्टी हो गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे पानी लगाया ही नहीं। तो अब तो मर्च हो गया इसका, सही से स्वाद आ गया। वाह, ये जी सूरज वाली साइड है, यहाँ से सूरज निकलेगा। अभी मैं नीचे आया था और चप्पल नहीं पहनी हुई, यहाँ पे हाँ ये दिख नहीं रहा, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे तो पानी पे मेरा पाँव आया और मैं फिसला हूँ, एक पाँव यहाँ पे गया है, ये जगह पे यहाँ पे, और मेरा तो सर चकरा आ गया, हाथ पे लगी है और दिख नहीं रही, वैसे मोबाइल था हाथ में तो हाथ नीचे आया, तो अब पता नहीं बाद में क्या मसला होता है। और ये मैं इस पे गिरा हूँ, इस पे तो अल्लाह खैर करे, फ़िलहाल तो दर्द नहीं हो रही, गिरते हुए हुई थी, बाद में निकल आए तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ जी आप इधर नहीं आना, जहाँ पे पानी होता है ना, ये जैसे यहाँ पे पानी है, तो अगर यहाँ पे पानी आए ना तो आइडिया नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फिसल सकता है। नहीं नहीं गिर जाओगे, फिलहाल आप नहीं आओ, मैं गिर गया हूँ। तो अब सेहन में पानी जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जमा हो गया, तो यहाँ पे एक पाइप भी है जो जिससे पानी बाहर जा सकता है, ये वाला पाइप यहाँ पे छुपा हुआ है, तो यहाँ पे मिट्टी है, इधर इस साइड पे मिट्टी है और इस साइड पे दीवार है, अगर वो पानी मैं यहाँ से निकालता हूँ ना तो वो क्या होगा कि वो दीवार में ही जाएगा, और देखते हैं क्या होना चाहिए। थोड़ा सा पानी यहाँ से निकल जाए, वहाँ पर इतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा पानी है उसको निकालते हैं, लेकिन है किधर ये पाइप, आइडिया लगाना पड़ेगा। ये दरमियान में है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो पट्टियां हैं पिलर्स हैं इनके 5, 4 और 5 के दरमियान में है, ये उधर से जाके देखते हैं फिर। ये मिट्टी हमें चाहिए थी सेहन में डालने के लिए, लेकिन इसमें ये जड़ी बूटियां काफ़ी थी इसलिए इसको पेंडिंग में छोड़ा, और उसके बाद अच्छी मिट्टी जो है वो आ रही थी, तो वो हमने 3 ट्राली यहाँ पर डलवा के
फिर वो अंदर जो है वो डाली है, क्योंकि वो अच्छी मिट्टी थी, जरखेज़ मिट्टी थी। अभी पानी का हल कर लें, और उसके लिए मुझे कुछ सोटी चाहिए। तो ये सरिया मुझे मिल गया, यस। तो इससे हम वो 4 और 5 के दरमियान जो पिलर्स हैं वहाँ पे देखेंगे क्या हो सकता है। 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे मोटर भी है, हाँ यहाँ पे मोटर भी है, और वो यहाँ पे ही है, यहाँ पे कहीं। बिस्मिल्लाह, हाथ डालना पड़ेगा क्योंकि अब मिट्टी भी ऊपर आ गई है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये वाला। ऐसे लगता है जैसे पानी जा रहा है कि नहीं लगता, ये जो घूम रहा है ना, लगता तो है यहाँ से पानी जा रहा है। हाँ ये देखें कितना ज़्यादा सरिया अंदर जाता है, और असल में यहाँ पे पी ट्रैप हमने डाला हुआ है, ये अंदर से निकला है। ये बजरी, ये देखें माशाल्लाह सारा पानी गया। बाहर से देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। ये पानी आ रहा है वहाँ से, पानी निकल गया। इतना ज़्यादा है नहीं कि यहाँ पे कोई नुकसान करे, और वैसे भी ज़मीन बहुत प्यासी है तो पी जाएगी। हमने सॉल्व कर ली मिस्ट्री, माशाल्लाह ये ढलवान अच्छी बनाई है उन्होंने। यहाँ से सारा पानी जो है ना वहाँ से चला जाया करेगा, अगर ज़्यादा बारिश हुई करी तो, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ करेगा। क्या है, क्या कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, वो वहाँ से पानी निकाल रहा था। पानी जी, आप यहाँ देख रहे थे ना, तो हम ऊपर चलते हैं। आपने रोटी खानी है, चलो। तो बस जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने शाम के खाने में पकाए हैं दाल कद्दू, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ मर्जी खा लें, चावल भी हैं रोटी भी है, तो हम खाएंगे क्योंकि अंधेरा हो रहा है, अभी खा लेंगे हम, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं आए ना आए। क्या है, पानी है। ये बड़ा पानी नहीं, ये पौधे का पानी है, तो ये खुद पी लेगा पौधा, बाकी पानी हमारा वहाँ से जा रहा है वहाँ से। तो आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। हाँ जी, इतना प्यार है। इसी दुआ के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, मैं और मोहम्मद बिलाल। अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, और अपनों को खुश रखें, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, शाबाश। तो जी, हम दाल कद्दू खाने लगे हैं और मज़े उड़ाने लगे, और मौसम माशाल्लाह ये देखें, वाह, ऐसे लग रहा है जैसे बादल ये नज़दीक आ गए हैं, वाह। और ये गुत्ती बनी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें सारा का सारा पानी निकल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो गया है उस पाइप का ना।